जय सत्यम सिद्धांत में स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और मैं यतेंद्र मोहन घनसर, सदगुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी का शिष्य, रसत्यासी मिशन का भक्त। आज आप सभी को अपनी ओर से, रसत्यासी मिशन की ओर से गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 24 जुलाई है 2021 और आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ये भी प्रचलित है कि जितने भी गुरु हैं हमारे, उन सभी को आज के दिन खास तौर पर सम्मानित किया जाता है। बहुत ज़्यादा उनकी रेस्पेक्ट की जाती है, ज़्यादा पूजा पाठ किया जाता है उनके लिए, क्योंकि ये उनका एक खास या विशेष दिन होता है, जैसे कि सभी प्रकार से और सभी के होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पांच मुख्य बिंदुओं पर, या कहें कि पांच मुख्य पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा, जिसमें सबसे पहला विषय है कि गुरु का पूर्णिमा संबंधित अर्थ क्या होता है, यानी कि गुरु का पूर्णिमा से क्या संबंध होता है। तो देखिए, पूर्णिमा का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से प्रकाशित हो, यानी वो आत्मा, वो दिव्य आत्मा जिसने अपनी 16 कलाओं में महारत हासिल कर ली है, जिसने अपनी आत्म जागृति कर ली है, वो पूर्णिमा कहलाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो पूर्णिमा जो तत्व है, जो पूर्णमासी है, ये दोनों के अंदर ही प्रकट होती है, चाहे वो स्त्री के रूप में हो या पुरुष के रूप में, यानी कि 16 कलाओं में संपूर्णता लिए हुए वो आत्मा जो पूर्ण हो चुकी है, वो पूर्णिमा कहलाती है। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, अनादि काल में जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें जो जितने हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो सभी सिद्ध आत्मा थे, चाहे वो ऋषि मुनि हो और उनकी पत्नियां ही क्यों ना हो। तो उनकी जो संतति होती थी, उनकी संतति के वो पहले गुरु बनते थे। कौन? स्वयं माता पिता ही गुरु बनते थे। तो वो गुरु, एक तो जन्म होता है हमारा जो अपने माता पिता से होता है, दूसरा जन्म हमारा तब होता है तब हम अपनी आत्म जागृति के लिए, उसके पथ पर चलने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्त करें किससे? उसके लिए हमें गुरु बनाने पड़ते हैं, क्योंकि चाहे आप ईश्वर की या अपने इष्ट की कितनी ही आराधना क्यों ना कर लें, कितनी ही साधना क्यों ना कर लें, जप पूजा पाठ क्यों ना कर लें, जो आपको मार्ग दिखाएंगे, जो रास्ता दिखाएंगे आत्म पथ का, आत्म जागृति का, वो केवल गुरु ही दिखा सकते हैं। वो स्वयं ईश्वर का रूप होते हैं धरती पे, और चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। इसी को लेकर ऋषि मुनियों ने तय किया कि एक खास दिन बनाया जाए, जिस दिन चाहे वो उनकी संततियां हैं या अन्य किसी राजा की या कोई भी जन हो जो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना चाहते हैं, या फिर गुरु से दीक्षा लेकर फिर उनकी शिक्षा शुरू करवाना चाहते हैं, तो वो ऐसा खास दिन बनाया जाए। तो तब उन्होंने ये गुरु पूर्णिमा दिवस का आयोजन रखा, और इस दिन तभी से, प्राचीन काल से ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। अब बात आती है कि इसमें गुरु करते क्या है। तो गुरु, अनादिकाल की बात यदि मैं करूं, तो हमारे सनातन धर्म में जो हमारे भारत की परंपरा रही थी, वो ये थी कि जो एक जीवात्मा है उसकी शिक्षा बहुत ही उच्च स्तर की थी, और ए ग्रेड की एजुकेशन दी जाती थी उस वक्त। तो लास्ट ईयर भी, जैसे कि मैंने बताया था, जो गुरु पूर्णिमा पर्व पढ़ा था कि धर्मचर्य होता है पहले, फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास, यानी कि चार पिलर होते थे, चार स्तंभ होते थे एजुकेशन के। धर्मचर्य में सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, जीवन मरण का जो साइंस है, जो विज्ञान है वो क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, कैसे आपको अपने, जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो कैसे बैलेंस करके चलना है सब चीज़ों को, ये सारी बातें। फिर गृहस्थ जीवन कैसे करेंगे आप अपना, वो कैसे सुखमय होगा, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो इस तरीके से मैं वीडियो में नीचे लिंक लगा दूंगा, जो लास्ट ईयर मैंने बताया था उसे भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सब्जेक्ट्स पे आपको डिटेल में मैंने बताया था, तो आप उसे समझ लीजिएगा। अब दूसरा जो मुख्य पॉइंट है हमारा इसमें, वो है कि शिष्य का अर्थ क्या होता है, वास्तव में शिष्य कौन होता है। तो देखिए, शिष्य असल में वो होता है जिसके अंदर किसी चीज़ को लेकर, किसी विषय को लेकर जिज्ञासा हो। जिज्ञासा मतलब कुछ पूछने की उम्मीद हो, आशा हो, और उसके लिए फिर वो गुरु ढूंढे। कहते हैं कि जो प्यासा होता है उसे कुएं का रास्ता मिल ही जाता है, यानी कि पानी का रास्ता मिल ही जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस दिन आपके अंदर वो जिज्ञासा उठ जाएगी, वो जागृत हो जाएगी कि आपको वो सवाल या कोई प्रश्न है जिसका उत्तर कहीं से नहीं मिल रहा है, ढूंढने पर नहीं मिल रहा है, आप चर्चा करते हैं नहीं मिल रहा है, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो, और उसी दौर में एक ऐसे महान आत्मा, एक ऐसे गुरु
उपस्थित हैं जो आपका इस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं, तो आपकी मुलाकात उनसे किसी भी रूप में हो ही जाएगी। मुलाकात हो जाने के बाद आप उन्हें फिर अपनी दुविधा बताएंगे कि हे गुरुदेव या हे स्वामी, मेरी ये इस तरीके से दुविधा है, मन में प्रश्न चल रहे हैं, इनका आपसे मैं उत्तर जानना चाहता हूँ। विनम्रता से यानी पोलाइटली आप उनसे अनुरोध करेंगे। फिर उसके बाद यदि गुरु को ये लगेगा कि हाँ ये पात्र है, जो ये शिष्य है ये वाकई मेरा शिष्य बनने लायक है, यानी कि जो आत्मा है ये वाकई मेरा शिष्य बनने लायक है, तो वो आपको उसी वक्त गुरु दीक्षा भी दे देंगे। और गुरु दीक्षा प्रदान करने के बाद फिर वो आपकी समस्या का हल करेंगे, चाहे वो प्रश्न के रूप में हो या किसी भी रूप में हो। अब बात आती है कि यदि वो वाकई में शिष्य बनने लायक है तो वो करेगा क्या। गुरु उसकी समस्या का, उसके प्रश्न का निदान करेंगे, उत्तर देंगे, और उत्तर देने के बाद अब ये डिपेंड करता है उस शिष्य पे कि वो किस तरीके से ग्रहण करता है। पहली चीज तो ये है कि वो कितना ग्रहणशील है उत्तर को लेके, यानी कि जो इसके मन में प्रश्न चल रहा है उसको लेके कितना ग्रहणशील है, कितना सरेंडर भाव उसके अंदर है, यानी कि कितना आत्मसमर्पण वो रखता है गुरु के प्रति। क्योंकि उसमें कई बातें होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि शिष्य ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि गुरुजी बताएंगे, पता नहीं वो सही बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, तो उनके मन में संशय रहता है, तो वो चीज़ सही नहीं है, यानी कि वो बात सही नहीं है। तो गुरु को, यदि गुरु के पास आप जा रहे हैं, तो यदि आप गुरु के पास जा रहे हैं तो पूरा सरेंडर भाव आपका होना चाहिए, यानी कि समर्पण भाव होना चाहिए कि हाँ आप मेरी समस्या का निदान या मेरे प्रश्न का उत्तर गुरुदेव ही देंगे, इन्हीं के पास है। फिर उतनी ही ताकत से आप उसके उत्तर को लेंगे। अब उत्तर लेने के बाद ये डिपेंड करता है कि आपको वो सारी बातें समझ में आ गई जो गुरुदेव ने आपको बताई है उत्तर के रूप में या नहीं। यदि नहीं आई है तो आपको फिर से पूछना चाहिए, और पूछेंगे कैसे, विद पोलाइटनेस, विनम्रता से अनुरोध करके कि हे गुरुदेव मुझे प्रश्न का जो आपने उत्तर दिया ये समझ में नहीं आया, आप मुझे फिर से एक बार बता दीजिए, ये कोई बात और समझ में नहीं है, वो ही पूछ सकते हैं। अब बताए गए उत्तर को फिर आप कितना अपने अंदर उतारते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, ये सारी बातें भी निर्भर करती हैं एक अच्छे शिष्य के ऊपर। और गुरु के द्वारा बताई हुई विधि और मंत्र की, ये भाई विधि है और ये मंत्र है, इसको जाप करना और इस विधि का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, तो आपकी आत्म जागृति की ओर यात्रा हो चलेगी। तो उस पर आप कितना खरे उतरते हैं, कहीं उसमें कोई बदलाव तो नहीं कर देते अपनी मर्जी से कि मंत्र ये इस तरीके से निकल रहा है मैं तो ऐसे कुछ कर लेता हूँ, या विधि में कुछ एडिशनल आप जोड़ देते हैं कि मुझे ज्यादा फायदा हो जाए। तो आपकी जो यात्रा है, जो शिष्य वाली है, एक अच्छे शिष्य बनने की ओर आप चल रहे थे, वो वहीं पर रुक जाएगी और उसमें विकृतियां पैदा हो जाएंगी, यानी कि गड़बड़ानी शुरू हो जाएगी, फिर आपको जो चाहते हैं आप वो कभी नहीं मिल पाएगा। और उसके साथ जो गुरु आपको आज्ञा देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो कि भाई तुम्हें अब ये मैं आदेश देता हूँ, तुम मेरे शिष्य हो तो तुम्हें ये कार्य करने चाहिए और ये कार्य तुम्हें करने पड़ेंगे, तो उसमें फिर ज़्यादा मीन मेक नहीं करके और इस तरीके से एक्सक्यूजेस ज़्यादा नहीं रखकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तभी एक आप अच्छे शिष्य बन पाएंगे। अब इस वीडियो में जो तीसरा पॉइंट है हमारा मुख्य रूप से, वो है कि गुरु का और शिष्य का क्या संबंध होता है और वो कहाँ तक होता है। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो प्रेम का संबंध होता है, चाहे वो किसी भी जीवात्मा से हो, वो प्रेम का ही संबंध होता है। क्योंकि जब शिष्य बनता है और गुरु उसको अपने एज अ शिष्य ग्रहण करता है, तो उसमें वो अपना शक्तिपात करते हैं, शक्तिपात के रूप में वो अपना प्रेम उनमें उड़ेल देते हैं और उस प्रेम का ही संबंध उनके बीच होता है। अब ये होता कैसे है, ये होता है सेवा से, क्योंकि फिर सेवा जो करते हैं शिष्य, सेवा से समर्पण भाव आता है, अहंकार जो होते हैं जो शिष्य के, वो चाहे छोटी छोटी ईगो हो उनकी, कोई भी छिपी हुई उनके अंदर कोई ऐसी बातें हो जो उन्हें अहंकार के रूप में लाके खड़ा कर देती हैं किसी के सामने, तो वो सारी चीज़ों को, उन सारे विषयों को गुरु काट देते हैं और उनके अंदर एक सही डेवलपमेंट पैदा करते हैं। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो होता है प्रेम का संबंध। अब बात आती है कि संबंध कहाँ तक है, तो इस संबंध गुरु और शिष्य का वैसे तो अनादिकाल तक है, कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि कोई संबंध प्रेम का जो एक बार जुड़ जाए वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन फिर भी एक बात होती है कि आज जो गुरु है वो एक सच्चे शिष्य में गुरु अपने आपे को देखता है। गुरु ये देखता है कि जो मेरी लेगेसी है, जो मेरी परंपरा है, जो किसी भी पथ की हो, किसी भी पंथ की हो,
वो अब ये चलाएगा या ये चलाएगी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो वो उसे उस लायक बनाते हैं। उसमें भी डिपेंड करता है कि जैसा गुरु बता रहे हैं वैसा शिष्य कर भी रहा है या नहीं। यदि हाँ कर रहा है तो वो पूर्ण रूप से एक दिन गुरु बन जाएगा। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो होता है कि जब तक एक शिष्य गुरु नहीं बन जाए। अब जब एक शिष्य गुरु बन जाएगा तब उसे अपनी जर्नी यानी कि अपनी जो यात्रा है आगे की, वो गुरु के बगैर ही पूर्ण करनी होगी। अब वो अपने अनुयायी बनाएगा, अपने शिष्य बनाएगा, और जो परंपरा उसने अपने गुरु से ली है यानी कि अब उसकी आत्म जागृति हो चुकी है, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के सानिध्य में रह के और अपने आत्म तपोबल से, अपनी मेहनत से और गुरु के शक्तिपात से, उसे जो भी सारी चीजें जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, अब वो एक गुरु बन गया है। उसे आगे की जर्नी खुद तय करनी पड़ेगी, क्योंकि एक गुरु हो जो मेंटर है हमारे, जो शिक्षक है, कोई भी है आपकी लाइफ में, वो आपको तब तक सपोर्ट करते हैं जब तक आप उस काबिल नहीं बन पाए जो आज आप चाहते हैं। जब आप वो अचीव कर लेंगे उसके बाद आपको अपनी जर्नी खुद सफर करनी पड़ती है। तो गुरु का और शिष्य का जो संबंध होता है वो तब तक होता है जब तक एक शिष्य गुरु नहीं बन जाता। उसके बाद ये नहीं है कि शिष्य ये कह दे कि अब मेरे पीछे कोई नहीं था या मेरा किसी ने कभी मदद नहीं की और मैं तो अपने बल पे खड़ा हूं। हर किसी एक आत्मा के पीछे किसी न किसी की सपोर्ट होती है, किसी न किसी का प्रेम के रूप में, चाहे वो प्रेम के रूप में हो चाहे वो किसी भी रूप से हो, एक सपोर्ट होता है, एक हेल्प होती है जिसकी मदद से वो आज कहीं एक मुकाम को हासिल करता है। तो इसके एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको इस बात को समाप्त करूंगा कि आप जैसे स्विमिंग सीखना चाहते हैं यानी कि तैराकी सीखना चाहते हैं, तो तैराक आपको तब तक मदद करेगा तब तक आप खुद तैरना नहीं सीख जाते। जब आप तैरना सीख जाएंगे तब आप उनके सानिध्य से हट जाएंगे। हट जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी निंदा करें या दुनिया भर में उनकी बुराई करते फिरें कि अब तो मेरी किसी ने मदद नहीं की, देखो मैं तो अपने आप सीख, ये सारी तो गलत बातें, व्यर्थ की बातें हैं, है ना। अब आप क्या करेंगे, जो आज आपने अपने गुरु से सीखा है वो आप दूसरों में विस्तृत करेंगे, बांटेंगे। जो आपकी ऊर्जा है वो आपके शिष्यों के द्वारा बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक वैसे जो आपको कोई शिष्य होगा वो एक दिन गुरु बनेगा, वो फिर आपकी इस लेगेसी को, इस परंपरा को आगे चलाएंगे। तो ये संसार ऐसे ही चलता रहता है, जो सर्कल है, चक्र है, ये ऐसे ही चलता रहता है। तो कहने का मतलब है जब तक आप पूर्ण रूप से अपने आपे को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक आपको गुरु की आवश्यकता होती ही होती है। तब आप अपने आपे को जान जाएंगे, उसके बाद फिर आप स्वयंभू गुरु हो जाएंगे, फिर आपको गुरु की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आत्मा आपने चरम को यानी कि अपनी परम अवस्था को प्राप्त कर लेगी। उसके बाद फिर आपके अंदर जो ज्ञान अर्जित हुआ है, जो आपने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है वो आप दूसरों में बांटेंगे। तो यहां तक का होता है इनका सर। चौथा पॉइंट है कि गुरु जी से जुड़कर यानी कि स्वामी सत्य सत्य साहिब जी से जुड़कर मैंने अपने अंदर अब तक क्या बदलाव किए हैं और क्या प्राप्ति की है। तो देखिए बदलाव बहुत हुए हैं। जैसे जैसे मैं गुरु जी के पास जाता था, गुरु जी सत्संग करते थे, तो उनसे बहुत सारी बातें मैंने सीखी हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी तक मैंने पूर्ण रूप से अप्लाई नहीं करी हैं अपने ऊपर, इसीलिए उनका रिजल्ट नहीं देख पाया हूँ। कई बातें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली अप्लाई की हैं और उनका रिजल्ट भी देख चुका हूँ। तो कई सारी सीखे हैं, जैसे कि पहले मैं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, फोकस अच्छा नहीं था, ध्यान अच्छा नहीं था मेरा, है ना, मन ज्यादा भटकता था मेरा। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि तुम रेहि क्रिया योग करा करो, अपना ध्यान जो है उसको बढ़ाओ, इस अभ्यास से करो, क्योंकि मन जो है वो बाहरी रूप से हमारा रहता है और जो योग है वो हमें अंतर्मुखी बनाता है। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रिया भी बाहर हो रही है और प्रतिक्रिया भी बाहर हो रही है, फिर तो आप सदैव भोगों में ही लगे रहेंगे। भोग और योग दोनों का बैलेंस बनाते हुए आपको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो क्रिया ये अंदर होगी और प्रतिक्रिया बाहर, और कोई प्रतिक्रिया अंदर होगी तो क्रिया उसकी बाहर होगी। तो ठीक ऐसे ही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, इसीलिए फिर मैंने देही क्रिया योग करना शुरू किया। आज ये है मुकाम कि गुरु जी के आशीर्वाद से मैं और अन्य गुरु भाई भी वो रेहि क्रिया योग मास्टर्स भी हैं, यानी कि हम रेहि क्रिया योग की टीचिंग भी देते हैं ऑनलाइन मेडिटेशन। और इसके अलावा एक मुख्य बदलाव और है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा सोशलिस्टिक नहीं था,
यानी कि बहुत ज्यादा लोगों से मैं जुड़ता नहीं था इजीली। कुछ जो मेरे पुराने जानकार हैं, संबंधी हैं, केवल उनसे ही बात किया करता था, वो भी कभी कभी, ज्यादा नहीं। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि सोशल होने का यानी कि सामाजिक होने का क्या महत्व है। हमें सामाजिक होना बहुत जरूरी है और होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे सोशल होना शुरू किया, चीजों को धीरे धीरे समझा, प्रैक्टिस में लेकर आया, और ये सारे बदलाव फिर मैंने महसूस किए। ऐसे अनगिनत बदलाव हैं जो छोटी छोटी से बातें लेकर बड़ी बातें हैं, जैसे कि ज्यादातर लोगों से प्रेम का भाव रखना। जो जैसा बर्ताव करता है वो उसकी अपनी वृत्ति होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप भी ठीक उसके जैसा ही बर्ताव करने लगें, तो फिर आप में और उसमें अंतर ही क्या रह जाएगा। तो हमारा जो एक कैरेक्टर है, जो एक हमारी पहचान है, वो हमारे अपने कर्मों से बनती है। तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि कोई कैसा भी करे, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि उसकी छोटी छोटी गलतियों में उसको क्षमा कर दें, उसे ज्ञान का मार्ग सुझाएं, उसे समझाएं। चाहे वो कितना ही फ्रस्ट्रेटेड हो, चाहे आपसे वो कितनी नफरत करे, लेकिन आप उसको प्यार से समझाएं और बताएं कि देखो जो आपकी आज ये स्थिति है, ये इस कारण है, और आपको ये करना चाहिए। यदि आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और आप भी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तो ये जरूरी नहीं कि जो आपसे नफरत करे आप भी उससे नफरत करने लग जाए, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं जो मैंने सीखी गुरु जी के सानिध्य में रहकर। और गुरु जी के पास जब भी जाता था तभी कोई ना कोई बात हमेशा सीखने को मिलती है। और एक बात और कि पहले मैं ज्यादा स्माइल नहीं करता था, मतलब चाहे वो फोटो सेशन हो या कोई वीडियोग्राफी हो, उसमें एक स्माइल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उससे ये जरूरी नहीं कि आप यदि किसी किसी भी कारण से खुश नहीं है तो आप किसी दूसरे को खुश नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हमेशा एक स्माइल होगी आपके चेहरे पे तो आप जो सामने वाला व्यक्ति है, वो चाहे कष्ट में है या किसी तरह की परेशानी में, हो सकता है आपकी एक स्माइल से उसका मन प्रसन्न हो जाए, फिर आपसे वो कुछ दो बात भी करना चाहे और आप उसका मन हल्का कर दें किसी बात को लेकर, उसके विषय को समझ कर, है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं इस तरीके की, जिसमें वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। मुख्य रूप से ये है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आत्म जागृति की ओर जो मेरा कदम बढ़ा है वो केवल गुरु जी की वजह से ही है। क्योंकि बहुत सारे मन में मेरे प्रश्न रहते थे जिनका उत्तर कोई नहीं दे पाता था, तो मैं गुरु जी के पास जाके पूछता था, जैसे जीवन और मरण का सिद्धांत क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, भोग और योग में कैसे संतुलन करें, क्या भोग करना जरूरी है या नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल थे, अनगिनत सवाल, जो मैं गुरुजी से जाके पूछा करता था। विस्तार से गुरुजी मुझे बताया करते थे। इस तरीके से बहुत बदलाव आए हैं मेरे जीवन में। पांचवा पॉइंट जो इस वीडियो में हमारा आखिरी पॉइंट है, जिसमें मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ गुरु पूर्णिमा के पर्व पे, वो ये है कि जो आज मेरी मनोस्थिति है, यानी कि मेरी आत्मिक स्थिति है, आज उसकी क्या कंडीशन है, किस स्टेज पे है, और भविष्य में वो स्थिति किस प्रकार से होगी। तो देखिए, जो भविष्य की जितनी भी संभावनाएं हैं, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी किसी भी विषय पर हो, तो उसकी संभावना हम आज पर तय कर सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि क्या होगी। अब आज जो मेरी मनोस्थिति है या आत्मिक स्थिति है, वो गुरु जी की कृपा से इस स्तर तक है कि मैं अच्छे से आध्यात्म को समझ सकता हूँ, अन्य लोगों को समझा भी सकता हूँ, और मैं जितना समय मिलता है उसमें मैं समझाने की कोशिश भी करता हूँ। और इसी आधार पर यदि मैं आकलन करूँ कि भविष्य में मेरी आध्यात्मिक स्थिति क्या होगी, या मनोस्थिति कहें, आत्मिक स्थिति कहें, तो वो डिपेंड करता है कि यदि आज मैं इस पे और ज़्यादा वर्क करता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी एजुकेशन लाइफ भी है और सब सब चीज़ें हैं, सारे विषय होते हैं सबकी लाइफ में, तो उनके साथ साथ मैं इस पे कितना वक्त बिताता हूँ, कितना समय इस पे बिताता हूँ, और किस तरीके से बैलेंस करते हुए इन सब चीजों को अपनी लाइफ में मैं जगह देता हूँ, तो डेफिनेटली जो भविष्य में संभावना होगी वो यह होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जितना यदि मैं आज 10 लोगों को समझा पा रहा हूँ, तो भविष्य में 100 लोगों को, 150 लोगों को, 1000 लोगों को समझा सकूँ। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि जितनी जो हमने आज गुरुदेव से सीखा है, अभी तक जो हमारी सत्यासी मिशन की सोच है, जो सत्यासी धर्म ग्रंथ है, उसकी जो सोच है, उसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो सके।
इसके लिए मैं सदैव प्रयत्न करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं इसको फैला सकूं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो प्रैक्टिकली लोगों से आपस में बात करके हो, किसी भी तरह से हो, मोटिव रहेगा सोच को फैलाना। अब आज कितना करते हैं हम, तो वो आज ये है कि आज बहुत बड़ा स्तर पे तो हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि देखिए ख्वाहिशें अपनी सबकी पूरी होने की संभावना ये रहती है कि हम उसके पीछे कितना एफर्ट करते हैं। आज यदि मेरी ख्वाहिश है कि मैं राजा बन जाऊं, मैं बादशाह बन जाऊं, तो उसके लिए डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट करते हैं। आपकी इच्छा है, चलो ये मान लीजिए इच्छा है आपकी, पूरी घोर इच्छा है, लेकिन उसके पीछे मोटिव क्या है बनने का, ये भी डिपेंड करता है। यदि मोटिव गलत है तो आप शायद उस तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। यदि आप बन भी गए तो आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि एक चीज तो होती है किसी चीज को उपलब्ध कर लेना, उपलब्धि किसी चीज की हो जाना, दूसरी चीज होती है कि उस पर बरकरार रहना। तो ये भी आपके कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करता है। और जैसे जैसे आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, आपको गुरु जी से पूछना चाहिए, आपके जो अपने गुरु हैं, क्योंकि गुरु होने का हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण एक कारण है वो यही है कि एक आत्मा जो भी आज करना चाहती है वो कहीं पर रुक जाती है, कोई बात उसको समझ में नहीं आती है, तो वो पूछे किससे, वो बताएंगे उसे जो उन सारी कलाओं में माहिर है, वो आत्मा, वो कहलाती है सच्चा गुरु। तो ये सारी संभावनाएं जो है, जो आज हम लेके चल रहे हैं, जिन पे अभी तक हमने विचार किया है, चाहे वो मैं हूं या कोई भी है, उसके पीछे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितना वर्क कर रहे हैं, कितना डेडिकेटेडली उस पर टाइम देते हैं, ये सारी बातें निर्भर करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जो सारी बातें मैंने इस वीडियो में आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पे बताई हैं वो समझ आई होंगी। और फिर से मैं एक बार आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पर्व पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी भी ज्यादा से ज्यादा आज के दिन जप कीजिएगा, जो आपके गुरु हैं उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिएगा, जो उनके द्वारा बताई हुई आपको विधि है उसको उपयोग में ला के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय सत्यम सिद्धायनमें।